हेलो फ्रेंड्स, मैं अल्ताफ और आप देख रहे हैं फीफा फूज। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने खुलासा किया है जिसे जानकर वाकई हर कोई चौंक जाएगा। रिया चक्रवर्ती जो सुशांत के इतने करीब रहा करती थी, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ जो दुर्घटना हुई उसके बाद परिवार से संवेदना नहीं जताई थी। रिया चक्रवर्ती ने विकास सिंह ने यह कहा है, पूरी तरह से बताता हूं उन्होंने क्या कहा है। वो कहते हैं कि रिया ने परिवार के साथ सहयोग नहीं किया है। जब वो दुर्घटना हुई थी तब उसने परिवार के प्रति संवेदना भी नहीं जताई थी। इसके अलावा जब सीबीआई जांच के लिए अनुरोध किया गया था तो उन्होंने इसका विरोध किया था। उसने वीडियो डाला था लेकिन सीबीआई जांच के समर्थन में, लेकिन उनकी कानूनी टीम ने इसका कड़ा विरोध किया। विकास सिंह का कहना है कि रिया ने मांग की थी सीबीआई जांच की, लेकिन असल में कानूनी टीम ने इसका विरोध किया था। विकास आगे कहते हैं कि अगर वो परिवार के साथ सहयोग करना चाहती तो वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले सकती हैं। वो कहते हैं कि रिया इस मामले में दोहरा खेल खेल रही है। संदीप के बारे में भी विकास सिंह ने कहा, संदीप ऐसे ही अचानक कैसे बाहर आ सकता है? परिवार का कोई भी व्यक्ति संदीप को नहीं जानता था। जब वो लंबे समय तक उसके संपर्क में नहीं था तो अचानक वहां कैसे पहुंच गया? विकास सिंह सुशांत के वकील वो कह रहे हैं। और घर में जो घटना घटी थी, लॉकर टूटे थे, उसके बारे में विकास सिंह कहते हैं, सुशांत के घर से दो लॉकर टूटे हुए थे। अब हम नहीं जानते ये किसने तोड़े हैं। क्या ये रिया थी, क्या ये उसके घर के कर्मचारी थे या फिर कोई और? ये जांच का विषय है और ये तब सामने आएगा जब सीबीआई मामले की जांच करेगी। मामले की जांच चल रही है और जो भी सच सामने आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिए फीफा फूज के साथ।